किसान मजदूर ते किसान साथियों भैनों ते भरावो तुसी तां पता नहीं जानते हो कि नहीं जानते हो, तुसी तां इतिहास रचता है, तुसी इतिहास रचता है। इस टाइम सारी दुनिया तुहानू देख रही है कि ये जड़ा अंदोलन दिल्ली के आस पास तुसी रख्या होया, बनाया होया, घेरिया होया दिल्ली नू, एक कदी किसी ने किसी दुनिया के हिस्से विच ये जा अंदोलन नहीं देखिया। जिस संगत नाल, जिस बोनहोमी नाल, जिन्हों अंग्रेजी च कहिंदे आ, जिस भागीदार नाल लोकी एक सारा अंदोलन चल रहा हैगा, ये सिर्फ समाज वास्ते ही सबक नहीं है, ये तो सिरे जिहड़े माहर हैगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी होण उन्हां वास्ते भी बहुत बड़ा सबक हैगा। दो तीन गल्लां मैं तुहाडे समक्ष रखना चाहना है और तुहानू मन लगता कि वह जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिहड़ा सारा तुहाडा अंदोलन है उहदा जिहड़ा पूरा असली फाउंडेशन है या उहदी जिहड़ी जिहड़ी उहदी जिहड़े कहिंदे भूमि है वह सानू समझनी बहुत जरूरी है। और तुसी हर जगह ते उह जे सवाल तुहानू पुछे जांदे, दो तीन गल्लां समझण की कोशिश करिए। एक मेरा एक वीडियो सीगा 5 मिनट का जिहड़ा दुनिया ने बहुत देखिया हैगा, जिहड़ा वायरल होया, उस भी वीडियो विच मैं दस्या सीगा कि किसान दी जिहड़ी इनकम हैगी है या आय है वह 45 सालों विच 19 गुणा बढ़ती है, जबकि सरकारी मुलाजमान की 120 तो 150 गुणा उन्हां दी आय बढ़ती है, इनकम बढ़ती है। जिहड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होंदे उन्हां दी 150 तो 170 गुणा बढ़ती है, जिहड़े कारपोरेट के इंपलॉइज हैगे आ उन्हां दी 300 तो 1000 गुणा बढ़ती हैगी है, और किसान की जिहड़ी इनकम हैगी है वह 45 साल के पीरियड में, यानी 1970 तो लैके मैं 2015 तक एक आंकलन किया सीगा, वह मात्र 19 गुणा बढ़ती है। 19 गुणा बढ़न तो बावजूद भी किसान इन्ना मेहनती है कि उन्हें हर साल रिकॉर्ड प्रोडक्शन दिती है, पैदावार दिती है। और यह किया जाता कि किसान जिहड़ा हैगा वो ठीक है, रब राखे है, सानू किसान नू कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये एक बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जो तुहानू समझना हैगा। हुणे किया जा रहा कि भई ये जिहड़े 3 कानून आणगे सरकार दे, और जिहड़े तुसी सारे कहिंदे हो कि इन्हों वापिस लिया जाए, सरकार का कहना है, इकोनोमिस्ट का कहना है, जिहड़े देश के अर्थशास्त्री हैगे कि इहदे नाल तुहाडा बहुत तुहाडा फायदा होएगा, तुहानू ज्यादा उहदे नाल तुहाडी इनकम बढ़ेगी, तुहानू कीमतां ज्यादा मिलणगियां। ये तुसी सुनदे आए हो, सरकारां तुहानू रोज़ विश्वास दिलांदियां हैगे कि तुसी फिक्र ना करो, तुहानू बरगलाया जा रहा हैगा कि तुहाडा नुकसान च नहीं हैगा, ये तुसी सुनदे आ रहे होगे। ये जिहड़े 3 कानून हैगे है ये तुहानू जानना जरूरी इस करके है कि ये अमरीका और यूरोप तो असी कट एंड पेस्ट किते, यानी उत्थों कॉपी किते हैगे। जे कानून इन्ने अच्छे होंदे तो अमरीका और यूरोप विच इन्ना जिहड़ा भयंकर संकट खेती च है, ये ना सोचो कि खेती का संकट पंजाब या देश विच ही है, खेती का संकट सारी दुनिया विच इस टाइम हैगा। और इन्ना बुरा हाल है कि अमरीका दे किसान ने कोई 10 साल पहले, हुण भी नहीं, 10 साल पहले आत्महत्या की, वह डेयरी फार्मर सीगा, उहदे कोल बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी सीगी, गऊं सीगियां जिहड़ी दुध दिंदियां बहुत ज्यादा, उन्हें पहले अपनी 51 गऊं नू पहले गोली मारी, फिर उन्हें अपने आप नू गोली मारी। इहदे नाल तुहानू पता चलता है कि अमरीका विच भी संकट किन्ना भयंकर है। इस करके मैं कह रहा हैगा कि अमरीका विच 1970 तो लैके 93% डेयरी फार्म बंद हो चुके हैं। डेयरी फार्म क्यों बंद हो गए? पिछले 10 साल 17,000 डेयरी फार्म अमरीका च बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? ये उदन बंद होने के नाल ये मतलब नहीं है कि पैदावार दुध की घट हो गई, उत्थे पैदावार दुध की बढ़ गई, डेयरी फार्म खत्म होए 93% और दुध की पैदावार बढ़ गई। किस तरह? क्योंकि छोटे जड़े किसान जिन्हों को डेयरिया सीगियां, जड़े खेती और डेयरी नाल गऊं नाल अपना गुजारा करते सीगे, और दाम इन्ने गिर गए, प्राइसिस इन्ने गिर गए कि उन्होंने अपना आत्महत्या करनी पई या उन्होंने छड़ना पिया। लेकिन दुध की पैदावार इस करके बढ़ गई क्योंकि कारपोरेट जड़े है वह दुध की पैदावार बच आ गए, हूँ डेयरी बच आ गए। जो अमरीका च होया है उ हूँ साढ़े हिंदुस्तान च होना है,
असी ओही मॉडल जिहड़ा अमरीका च फेल हो गया हैगा वह लैके आ रहे हैं। अमरीका च मैं फेल क्यों कहना हैगा कि उत्थे अज किसानां दे सिर ते 425 बिलियन डॉलर, जे आपां कोई समझदे होईए किन्ने होए ओह फिगर ते मैनूं भी दस देना, 425 बिलियन डॉलर दा किसानां दे सिर ते कर्जा खड़ा है अमरीका विच। अमरीका विच ये हाल हैगा कि पिंडां विच जिहड़ी आत्महत्या हो रही हैगियां वह 45% या तकरीबन 50% ज़्यादा हैगियां जिहड़ी शहरां च हो रही हैगियां। कहने का मतलब है कि उत्थे इन्ना भयंकर संकट है आज खेती के उपर, और असी ओही मॉडल लेके हिंदुस्तान च आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी तुहाडे वास्ते बहुत फायदेमंद है। अमेरिका च की होया कि उन्होंने कहा किसानों नूं, अंग्रेजी च कहिंदे गैट बिग और गैट आउट, बड़े हो जाओ या खेती छड़ दिओ। वो बड़े तो नहीं हो सके, उन्होंने खेती छड़ती। अज अमरीका की जिनी भी पॉपुलेशन है उदा सिर्फ 1.5% किसान रह गया हैगा, बाकी खेती छड़ चुके हैगे। साडे देश विच असी 60 करोड़ किसान परिवार मिला लीए तो 60 करोड़ जनता हैगी जिहड़ी खेती नाल उदा व्यवसाय चलता हैगा। साडे वास्ते खेती नूं संपन्न करना बहुत ही अज इंपॉर्टेंट हैगा, जिन्हों की प्रधानमंत्री साहब कहिंदे सबका साथ सबका विकास, वह खेती चों ही होके जांदा है। लेकिन तुसी देखो, तुसी 45 साल तक घट तो घट मैनो हो गए हिसाब लगाते हुए 45 साल तो साडे देश का किसान घाटे विच खेती कर रहा सीगा, घाटे विच खेती कर रहा सीगा। तुहानू मेरा 19 गुणा दस्या सीगा कि 45 साल बाद तुहाडी इनकम जिहड़ी हैगी है 19 गुणा बढ़दी है। उहदे बाद दा भी अगर असी पीरियड देख लीजिए, एक हुण अध्ययन आया वह भी बाहरों आया, उन्हें कहा कि 2000 और 2016 दे विच, यानी 16 साल विच हिंदुस्तान के किसानों नूं 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होया। 16 साल विच 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होया। मेरा मानना कि यह भी बड़ा घट दस्या गया सी, क्योंकि सिर्फ 10 फसलों ते या 11 फसलों ते उन्होंने अध्ययन किया सीगा। जे सारा खेती का देखते स्पैक्ट्रम देखते तो यह किन्ना ज्यादा गुणा हो, किन्ने गुणा ज्यादा होना सीगा, यह लॉस तुसीं समझ सकते हो। फिर एक 2016 च सरकार का अपना आंकड़ा आंदा है, वो कहिंदा है कि किसान परिवार की अद्धे देश विच, यानी 17 राज्य विच किसान परिवार की जिहड़ी औसतन इनकम है या आय हैगी है साल की, वो 20,000 रुपए है। आपां जिहड़े पंजाब हरियाणा चों आने हां, आपां नूं पता है कि अगर 1700 रुपए घट तुहाडी इनकम होए महीने की परिवार की, 1700 रुपए तो असीं गां नहीं पाल सकते। जे आप 1700 रुपए च गां नहीं पाल सकते, सोचो कि अद्धे देश का खेती च गुजारा किस तरह होंदा होएगा 1700 रुपए हर महीने च। यह साडे सरकारी आंकड़े हैगे, ये 2016 के आंकड़े हैगे है, और जिहड़ी सरकार ने अपने आप किया फिर कहिंदे तुहाडी इनकम दुगनी हो जाएगी। जे तुहाडी हुण 20,000 ही अगर अद्धे देश विच किसानां दी इनकम हैगी है तो वह तो वैसे ही 5 साल बाद दुगनी हो जानी सीगी, असीं अगर सारे मुद्रा स्फीति नूं देखदे हां या रेट नूं देखदे हैगे। सानू समझना यह है कि किसान नो जान बूझ कर क्यों भुखा रखा जा रहा है। किस ये नहीं है कि तुसी सोचो सानू समझ नहीं आता या देश नो समझ नहीं आता, साडे देश के इकोनॉमिस्ट नो समझ नहीं आता। सारी गल यह कि साडा जिहड़ा इकोनॉमिक ढांचा हैगा वह यह कहिंदा कि खेती नो खत्म करना हैगा जे असी इकोनॉमिक रिफॉर्म या जिहड़े मैनू नहीं पता हिंदी च की कहिंदे उहनू, इकोनॉमिक रिफॉर्म नूं असी रखना हैगा, कायम रखना हैगा देश विच। इहदा मतलब है कि यह सानू समझ जाना चाहिए कि इन्ने सालों तो जिहड़ा साडा मॉडल चल रहा सीगा वह बेसिकली है कि किसानों नूं असी खेती चों कढ के किस तरह शहरां दे विच लैके आए। मैनूं याद है एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब होंदे सीगे, वह कहिंदे अपने एक इंटरव्यू च साडे देश का सब तो बड़ा जिहड़ा रिफॉर्म होएगा वह तां होएगा जद असी खेती चों लोगों नूं कढ के शहरां विच लैके आवांगे, क्योंकि शहरां विच सस्ती लेबर की जरूरत है, सस्ती मजदूरी की जरूरत है। मैं उस टाइम भी कहा सीगा कि अगर दिहाड़ी मजदूर बनाना ही तुहाडा इकोनॉमिक डिजाइन है तो इहदा मतलब है सानू दोबारा उस नीति नूं सोचना चाहिए जिहड़ा किसानां नूं उस दर ते या उस कदर ते रख्या होया। असी सारे देश विच सानू आ चाहिदा की है कि किसानां दे हाथ विच पैसा आए, किसान भी खुशहाल होए जिस तरह बाकी सारे सैक्शन ऑफ द सोसायटी हैगे है। क्यों नहीं असी यह देख सकते कि अगर प्रोफेसरां दी तनखा 150 तो 170 गुणा बढ़ती हैगी है 45 साल विच, तो किसानां दी तनखा क्यों ना, या किसानां दा जिहड़ा मूल हैगा या किसानां दा जिहड़ा प्राइस हैगा या तुहाडा जिहड़ा दाम हैगा वह भी क्यों ना 150 तो 170 गुणा बढ़े। क्या ऐसा नहीं हो सकता?
हो सकता है किसान भरावो उदा जो तुसी आज ए जिस माहौल च तुसी आज बैठे हो और जिस तुसी मूवमेंट नाल तुसी जिसे जुड़े हो मनु लगता है कि हुन सारे देश नो एक मैसेज जा चुकिया हैगा कि किसाना दी अनदेखी हुई है किसाना नाल अन्याय होया है इन्ने दशकों तो यही कारण है कि सारा समाज तुहाडे नाल आज खड़ा है सारा समाज यह समझता हैगा कि किसाना नाल असी एक धोखा किया इन्ने सालों तो और असी अगर इस आवाज नो बुलंद करते हैं इस चीज नो चैलेंज करते हैं जवाब सारे है जवाब मैं तुहानू एक जवाब देना चाहता अज क्या जा रहा है कि अगर असी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम मूल्य नो लीगल कर दईए यानी उतो थले खरीद ना होए देश विच तां साडे देश दे विच 17 लख करोड़ रुपए का खर्चा होएगा ये तुसी सुनिया होएगा मैनू नहीं पता किहड़े इकोनोमिस्ट ने कढ़ी है फिगर असी साडा यह सोचना है कि अगर असी वाकई ही किसानों नो हर फसल का असी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदते हैं न्यूनतम मूल्य से खरीदते हैं तो वह सिर्फ असी बेंचमार्क बढ़ाता हैगा सरकार के उपर खर्चा ज्यादा नहीं आएगा कहेगी नहीं जी फिर भी साढ़े को 4-5-6 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा तुहानू पता होएगा भराओ जब सतवां वेतन आयोग आया सीगा सतवां वेतन आयोग जब सारे देश में सारी स्टेट ने स्टेट गवर्नमेंट ने उन्होंने ले लिया उन्हें अपने प्रोग्राम लॉन्च करता साढ़े देश का साढ़े 4 लाख तो साढ़े 4.8 यानी 4.5 लाख करोड़ रुपए साल का अतिरिक्त खर्चा साल का अतिरिक्त खर्चा 4.5 लाख तो 4.5 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त खर्चा है सतवें वेतन आयोग तो कभी तुम किसी को सुने अज तक बोलते हुए पैसा कितों आएगा कभी सुने तुम किसी को अज तक पैसा कितों आएगा 2014 तो लैके अगर 2019 दिसंबर तक देख लीए तो कारपोरेट का जरा कर्जा माफ किया है या जरा कर्जा खड़ा है वह तकरीबन 17 लख करोड़ रुपए का है उदे बिचों तकरीबन 8 लख करोड़ रुपए तो माफ हो चुकया है बाकी माफ करने की लैवल तो है हूँ नहीं होया 2 महीने बाद हो जाएगा 6 महीने बाद हो जाएगा कभी किसी ने बोलिया कि 18 लख करोड़ रुपए कितों आएगा लेकिन किसान नो अगर जिन्ना भी पैसा देना पै जाए तो इतने हाहाकार मच जाता है ये तुसी पैसा बेकार किया है ये लोग डिजर्व नहीं करते है इन्होंने तुसी पैसा व्यर्थ सिटता है पैसे का कोई फायदा नहीं होना है ये सारा तुसी सुनोगे जब मुलाजिमों को मिलता है तो कोई नहीं कहता कि भाई पैसा कितों आएगा जब बैंकों का कर्जा माफ करना होता है तो कोई नहीं कहता कि यह कर्ज पैसा कितों आएगा सिर्फ जब तुहाडा कर्जा माफ करना होंदा या तुहानू कुछ पैसे देने होंदे तो सारयां दी जो पंजाबी च नहीं कहिंदे मां मर जांदी है यह क्या गल हैगी है कि भई सिर्फ किसानां नाल ही यह साडे नाल यह जुल्म होंदा आया हैगा यह सानू समझना है यह जब तक असी यह सारा ढांचा नहीं समझांगे सानू समझ नहीं आएगा कि यह हो की रहा हैगा असी इन्नी मेहनत करते हैं असी इन्नी पैदावार देने हैगे देश नू फिर भी साडा जिहड़ा गुजारा है मुश्किल नाल होंदा है किसान भरावो यह पंजाब हरियाणा की गल नहीं है सारे देश की गल हैगी है और सारे देश का किसान अज तुहाडी तरफ देख रहा हैगा और तुहाडी तरफ देख के समझना चाहता हैगा कि भाई तुसी उन्हां दी आवाज़ हो तुसी उस आवाज़ नूं लेके चल रहे हो दूजा सवाल यह पूछा जाता है कि साहब पंजाब दे किसान क्यों करते हैं बाकी देश का किसान क्यों नहीं करता ये तुसी बहुत बारी सुनिया होना इहदा जवाब बड़ा सिंपल है जी जब शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर सीगे तो उन्होंने पार्लीमेंट विच गल कही सी उन्होंने कहा सीगा कि देश के 70% किसानों नो पता ही नहीं है कि MSP की होंदा 70% किसानों नो ये पता ही नहीं है कि MSP का कॉन्सेप्ट की होंदा जब उन्होंने पता ही नहीं है कि MSP क्यों होंदा क्योंकि उन्होंने कभी मिलिया ही नहीं है कभी दिखाया ही नहीं गया कि MSP नारे होंदा तो फिर वह किसान किस वास्ते खड़ा होएगा उन्होंने समझ ही नहीं आ रहा तो यह पंजाब का किसान जिन्हें कि जब तो हरित क्रांति हुई है जब तो तुसी देश नो संभालिया हैगा तुहाडे करके ही आज सारा देश अपने पैरों ते खड़ा हैगा उन्हों समझ हैगी कि उदे पेट ते किस तरह लत होर पेगी और यही एक कारण है कि तुसी लोग ज्यादा अगे आए हो और वो शायद आस्ते आस्ते हुण थोड़ा समझणगे घबराओ नहीं वह भी जानते हैगे है हुण एक अधिक 2 महीने की गल देख ली है अक्टूबर नवंबर अज असी दिसंबर में है अक्टूबर नवंबर च जिहड़े किसानों ने देश में फसलों बेचिया सारे किसान मैं मिला रहा सारे किसानों ने जो देश में फसल बेचिया है 2 महीनों में यह अध्ययन किया गया कि जे उन्होंने MSP मिलता हों जे वह फसल उन्होंने MSP से बेचिया होंदिया तो किसानों को 1900 करोड़ रुपए का फायदा होना सीगा यानी 2 महीने में अगर MSP लागू हो गया होंदा सारी फसलों पर तो 1900 करोड़ रुपए का किसानों को फायदा होना सीगा मैनू नहीं समझ आता कि शहर के लोगों को या पढ़े लिखे लोगों को क्यों तकलीफ होंगी है जब किसानों को ज्यादा कीमत मिलती है जब किसानों को ज्यादा दाम मिलता है
ਇਹ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15% ਦਾਮ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 25% ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੋਲ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਭਿਅੰਕਰ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਾਅ ਹੀ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 23 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ MSP ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ 23 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ। ਇਹ 23 ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 23 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ MSP ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਤਾ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਦਮ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਪਾਏ ਜਾਂ ਮੰਨ ਗਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਥਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਜਦ 7ਵਾਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਹੈਗਾ, APMC ਮੰਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7,000 ਮੰਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ APMC ਮੰਡੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਅਧਿਕਤਰ ਮੰਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ MSP ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 42,000 ਮੰਡੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਖੇਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਡੀਅਸ 'ਤੇ 42,000 ਮੰਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ MSP ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਛਾਏ ਜਾਏ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਅਮੂਲ ਕਹਿੰਦਾ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ 70% ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਗਰ $1 ਦਾ ਫੂਡ ਵਿਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸਿਰਫ 8% ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ 8% ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮੂਲ ਦੀ ਡੇਅਰੀ, ਮੈਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ 70% ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਫਰੂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਦਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 3 ਮੇਰੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਤਿੰਨੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੋਰਡ ਇਨਕਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ MSP ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ,
टाइम घट हैगा, मैं तुहानू सब दा धन्नवाद करदा है कि तुसी अज इतिहासिक स्टैप ते बैठे हो। तुहाडा अज जिहड़ा एक भी कदम जिहड़ा हैगा वह इतिहास नूं इधर या उधर करेगा। मेरी तुहाडे नाल पूरी सपोर्ट है। मैनूं लगदा है कि तुहाडी आवाज़ जिहड़ी हैगी आ, तुहाडी डिमांड जिहड़ी हैगी बिल्कुल जायज़ है। चलो सारे मिलजुल कर एक ऐसा एक देश विच होर आवाज़ नूं बुलंद करिए कि तुहाडी आवाज़ जिहड़ी है अज दुनिया की आवाज़ बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का।